शिक्षा में ऐसी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने गरीब और मजलूमों का ही शोषण नहीं किया बल्कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी इस देश में लगभग 52% के करीब है उनकी मंडप कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी काम आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण संप्रदाय द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों मजदूरों बेरोजगारों कर्मचारियों युवाओं महिलाओं किसानों व्यापारियों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों अन्य पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य अखिलेश समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न कर रैली बनी हुई है जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास में उत्थान होना भी लगभग बनसाई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार ने यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है तो उससे अभी हम पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ा है जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब बीजेपी की सरकार ने भी इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ सीबीआई ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है जो अभी भी लगातार जारी है।
ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को या किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है, किंतु आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए या सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम धाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। इस मामले में चुनाव के दौरान जहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर तारीख किनारे कर देती हैं। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ कई घंटे बाद भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था। बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है।